हेलो स्टूडेंट्स, जय स्वामीनारायण। वेलकम टू BAPS स्वामीनारायण विद्या मंदिर। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इन स्टैंडर्ड 2 द स्टोरी ऑफ द विंड एंड द सन। बिफोर वी विल स्टार्ट, लेट्स गो थ्रू ऑडियो एंड वीडियो विजुअलाइजेशन सो यू अंडरस्टैंड मोर इजीली। लेट्स स्टार्ट। Is an interesting story from Aesop's Fables. One day, the wind and the sun had a competition. What was the competition about and who won it? Let's go through the story to find out. Sun, can you see that man walking down the road? I can get his coat off more quickly than you can. We will see who is stronger. I will let you try first. How strong the wind is today. It is blowing my coat away. I must hold it tightly round myself. Son, I give up. I cannot get his coat off. Now it's my turn. Let me try. What a funny day. It was so cold and now it is so hot. I will make him feel hotter and hotter. I must take off my coat. Wind, I have won. I have made him take off his coat. Road, this road is very long. Coat, this is my father's coat. Quickly, the boy ate the ice cream quickly. Stronger, Ramu is stronger than Manu. Cheeks, my sister's cheeks are very soft. हेलो स्टूडेंट्स, अब आपने जो स्टोरी देखी ऑडियो वीडियो थ्रू लाइट, लेट्स गो थ्रू चैप्टर। द विंड एंड द सन, द स्टोरी ऑफ द विंड एंड द सन। विंड, सन, कैन यू सी दैट मैन वॉकिंग डाउन द रोड? आई कैन गेट हिज कोट ऑफ मोर क्विकली देन यू कैन। मतलब ये विंड है, तो विंड सन से क्या कह रही है कि सन, तुमने वो मैन को देखा जो चल के जा रहा है रोड पे? मैं उसका कोट निकलवा दूंगी, क्या तुम निकलवा सकते हो? तो सन क्या करता है? स्माइल करता है। वी विल सी हु इज स्ट्रॉन्गर, मतलब सन कहता है चलो देखते हैं हम दोनों में से कौन स्ट्रॉन्ग है। आई विल लेट यू यू ट्राई फर्स्ट, मैं बाद में करूंगा, तुम पहले करो ट्राई। मतलब सन कहता है कि मैं बाद में करूंगा, पहले तुम ट्राई करो। सो विंड पुफिंग हिज चिक्स एंड ब्लोइंग हार्ड, मैन हाउ स्ट्रॉन्ग द विंड इज टूडे, इट इज़ ब्लोइंग माई कोट अवे, आई मस्ट होल्ड इट टाइटली राउंड माई सेल्फ। मतलब विंड क्या करती है, अपने गालों में हवा भर लेती है और ज़ोर से हवा फूंकती है। तो जो मैन है वो कहता है अरे यार कितनी स्ट्रॉन्ग विंड है आज तो, और ये मेरा कोट ही उड़ा के लेके जाएगी। आई मस्ट होल्ड इट टाइटली राउंड माई सेल्फ, मतलब मुझे इसे पकड़ के रखना पड़ेगा, राइट। विंड ब्लोइंग हार्डर, अब विंड है वो बहुत ज़ोर से ब्लो होने लगती है। मैन पुलिंग हिज कोट मोर टाइटली, जो मैन है वो क्या करता है अपना कोट ज़ोर से टाइट करके रखता है। हाउ कोल्ड इट इज़, मतलब अब तो विंड एकदम ठंड हो जाती है, तो मैन को तो ठंडी लगती है, तो वो कहता है कि अरे कितनी ठंडी हवा है। विंड, सन आई गिव अप, आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ, मतलब विंड कहती है सन को कि सन मैं तो अब छोड़ रही हूँ, मैं तो ये नहीं कर पाई। सन, नाउ इट्स माई टर्न, लेट मी ट्राई। सन कहता है अब मेरी बारी है, देखो मैं क्या करता हूँ। तो फिर
ही शाइन्स हार्ड, मतलब एकदम स्माइल करके. मैन व्हाट अ फनी डे, इट वॉज सो कॉल्ड एंड नाउ इट इज़ सो हॉट, मतलब कि मैन कहता है अरे अभी तो कितनी हवा आ रही थी, ठंड थी, और इतनी देर में ये तो गर्मी होने लगी, राइट. सन शाइनिंग हार्डर, शाइनिंग मीन्स कि बहुत धूप पड़ना. आई विल मेक हिम फील हॉटर एंड हॉटर, मतलब सन कहता है कि मैं उसे बहुत गर्मी दूंगा. हमें मालूम है कि हमें गर्मी होती है तो हम क्या करते हैं, एसी के सामने बैठते हैं, फ़ैन के सामने बैठते हैं, और कोट या वैसा कुछ पहना होता है तो वो रिमूव कर देते हैं, राइट. मैन विपिंग हिज फेस, विपिंग मीन्स वॉट कि जो पसीना आता है उसे हम पोंछते हैं, राइट. आई मस्ट टेक ऑफ माई कोट, मतलब मुझे क्या करना है, मेरा जो कोट है वो निकालना पड़ेगा. सन विंड आई हैव वॉन, आई हैव मेड हिम टेक ऑफ हिज कोट, मतलब कि सन कहता है कि मैं तो जीत गया और मैंने उसका कोट निकाल के दिखा दिया. चलिए न्यू वर्ड्स देखते हैं, कौन से रोड, कोट, क्विकली, स्ट्रॉन्गर, चिक्स एंड वॉन. लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर्स. रीडिंग इज वन, व्हाट डिड द विंड डू टू गेट द मैन्स कोट ऑफ, मतलब आदमी का कोट उतरवाने के लिए हवा ने क्या किया. द विंड ब्लो वेरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग टू गेट द मैन्स कोट ऑफ, मतलब वो बहुत जोर से ब्लो हुई, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट डिड द सन डू टू गेट द मैन्स कोट ऑफ, सूरज ने क्या किया. द सन शाइन वेरी हार्ड टू गेट द मैन्स कोट ऑफ. क्वेश्चन नंबर थ्री, हु वॉन इन द एंड, कौन जीता लास्ट में. द सन वॉन इन द एंड, मतलब लास्ट में कौन जीता, सन, राइट. आई कैन गेट नाउ हु सेड दिस टू होम, मतलब ये किसने किसको कहा, ठीक है. क्वेश्चन आंसर देखते हैं. आई कैन गेट हिज कोट ऑफ मोर क्विकली देन यू कैन, ये किसने कहा कि मैं तुमसे ज़्यादा अच्छे तरीके से उसका कोट निकाल के दिखूँगी. सो विंड टू सन मीन्स विंड से टू सन. नेक्स्ट वन, आई विल लेट योर, आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट, ये किसने कहा, सन ने, राइट. सन टू विंड, हाउ कोल्ड इट इज, मतलब कितनी ठंड है. मैन टू हिमसेल्फ, मतलब जो इंसान मैन था वही अपने आप को कह रहा था, राइट. फोर्थ वन, आई गिव अप, आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ, मतलब मैं तो गिव अप कर रहा हूँ, मैं उसका कोट निकालवा नहीं पाऊँगा. आई गिव अप, आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ. द आंसर इज विंड टू सन. आई हैव वॉन, मैं तो जीत गया, कौन कह रहा है, तो सन टू विंड. नाउ लेट्स टॉक. रोहन ट्राइज टू स्नैच गीताज न्यू बुक फ्रॉम हर. वॉट डू यू थिंक इज द बेस्ट थिंग टू डू, चूज एन आंसर. मतलब रोहन है, वो क्या कर रहा है, गीता के पास से उसकी जो बुक है वो खींचने की ट्राई कर रहा है. तो आप क्या सोचते हो, कौन सी अच्छी चीज़ है, उसे क्या करना चाहिए. चलिए देखते हैं. गीता रन्स अवे विथ हर बुक, गीता को भाग जाना चाहिए अपनी बुक लेके. गीता फाइट विथ रोहन, गीता को फाइट करनी चाहिए रोहन के लिए, रोहन के साथ. गीता टॉक टू रोहन, गीता को बात करनी चाहिए रोहन के साथ. या गीता क्राइज इन अ कॉर्नर, या फिर गीता को रोना चाहिए. आप क्या सोचते हो, आप क्या करोगे अगर आप में, तो मैं तो ऐसा करूँगा. द बेस्ट थिंग इज गीता टॉक्स टू रोहन. I feel so because this is the best manner that Rohan can have the book from Gita. All other ways are not considered as good manners. मतलब कि मैनर के साथ शांति से मैं कहूँगा कि उसके साथ बात करके कि प्लीज़ मुझे बुक दे दो, या तुम बुक लेके जाओ, राइट. उसके साथ बात करके मैं बुक लूँगा. चलिए आगे देखते हैं. Find a rhyming words from the story for each of these words. क्या करना है हमें, rhyming words. Bun. So bun के साथ क्या आएगा, sun. Then hold. So cold. Boat. Coat.
fan, man, sunny, funny, hot, pot, ये सारे क्या है, rhyming words हैं. Okay, I hope you all are enjoying this lecture. Thank you.